वैसे में सिर्फ सैलरी नहीं कुछ पर्क्स भी होते हैं थोड़ा सा अब बताइए तो थोड़ा एस्पिरेंट्स को और मजा आएगा और बैंकर्स को भी पता चलेगा कि क्या-क्या पर्क्स होते हैं जिस भी शहर में रह रहे हूं उस उस शहर के हिसाब से आपको किराया मिलता है पेट्रोल मिलता है फर्नीचर का पैसा मिलता है क्या बात <laughs> तो, <laughs> <laughs> तो आप कहोगे कि पैसे तो अच्छे मिलते हैं शोमे प्रकाश को हमें इस काम के लिए यहां भेजना है बट वो काम से ज्यादा अब घूमने के लिए एक्साइटेड हो गए कि नहीं यार वो काम तो गया भाड़ में और मुझे पहले घूमना है तो ऐसी कुछ जगहें बताओ मैम कहाँ-कहाँ पे गए आप मैंने काम कभी नहीं किया है कि वो भाड़ में जाए <laughs> वो काम इम्पोर्टेंट <laughs> है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अड्डा 247 मेरा नाम सौम्या प्रकाश है और uh, आप में से बहुत लोग हैं जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं बहुत लोग हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं तो ये एक नया सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ मैं जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी और जो मैंने लर्निंग्स ली हैं अपनी बैंकिंग करियर से जैसे कुछ लोग जानते होंगे और जिन लोगों ने अभी तक जो अब तक नहीं जानते हैं कि मैं एस बी आई प्रोबेशनरी ऑफिसर थी 2009 में मैंने ज्वाइन किया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर और 13 साल से ज़्यादा एस में काम करने के बाद मैंने एस बी छोड़ कर के अब मैं टीचिंग करती हूँ तो मैंने सोचा ये एक नई सीरीज़ लेकर के आते हैं जिसमें बताऊँगी मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस और बैंकिंग करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस uh, आती हैं वो सब डिस्कस करेंगे आगे की सीर, इस सीरीज़ में आज मेरे साथ है सात्विक और सात्विक मेरे से कुछ सवाल पूछेंगे और इन सवालों में आपके हो सकते हैं बहुत सारे जवाब मिल जाए मैम थैंक यू एंड इट्स इट्स बीन ग्रेट टू हैव विद यू आज आई फील मैम बहुत सारे लोगों को अपने जवाब मिलेंगे बहुत सारे बैंकर्स बहुत टाइम से सोचते हैं कि यार कोई ऐसा वीडियो मिल जाए कोई ऐसा एक सेशन मिल जाए कोई ऐसी एक सीरीज मिल जाए जहाँ पे हम हमारे जो भी सवाल है उनका जवाब मिल जाए बहुत सारे लोग बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत है। सारे लोग आ, बैंकर्स हैं <coughs> जो प्रिपेयर कर रहे हैं मैं चाहता हूँ मैम आज आप उनको हेल्प करो आ, कुछ अपने इनसाइट्स दे के जो ऑलरेडी बैंक में है आप उन्हें हेल्प करो कि कैसे अपना वो बैंकिंग करियर को एक्सेल कर सकते हैं तो आई थिंक मैम आज इन, इन, इन इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं एंड uh, काफ़ी मज़ा आने वाला है राइट right. तो मैम सबसे पहला सवाल मैम सौम्य प्रकाश वॉज वर्किंग एट एस बी आई ये हम सबको पता है मैम ये जर्नी कैसे शुरू हुई सबसे पहले मुझे जानना है कि वॉट वॉज दैट थाट इन अर्ली डेज हाउ आर यू प्रिपेयरिंग आप भी एक एक्सपीरियंट रहे थे आपने भी बैंक के लिए प्रिपेयर किया एंड देन यू और सिलेक्शन मैम कैसी थी वो जर्नी एंड मैं जर्नी से पहले जानना चाहूँगा कि जब वो स्टार्ट हुआ सिलेक्ट हुआ उसके पहले की क्या स्टोरी थी एक छोटी सी कोई? सो थैंक यू सात्विक पहले तो ये पॉडकास्ट करने के लिए क्योंकि uh, मैं खुद एक एस्परेंट थी तो उस टाइम पे लगता था कि uh, किसी पीओ को देखती थी तो मेरे लिए वो बहुत ड्रीम सा लगता था तो स्टार्टिंग जो ये थी कि मैं स्कूलिंग uh, मैंने अपनी uh, जैसे कि उसके बाद फिर uh, उस टाइम पे मेरे सभी फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे लेकिन एलेवन ट्वेल्थ में मेरा एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था और वहाँ से मुझे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस अच्छा लगने लग गया जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा <laughs> तो आई वॉन्टेड टू गो इन टू फाइनेंस इंडस्ट्री और uh, मेरे बहुत जान पहचान के लोग थे बैंक में तो मुझे बैंकिंग की तरफ एक था लगाव था उसकी वजह से और फाइनेंस में पढ़ना चाहती थी सीखना चाहती थी तो फिर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 2008 में अपना ग्रेजुएशन किया और उस साल में मतलब एज मेरा नहीं हुआ था एग्जाम देने के लिए अच्छा बट कैसे कैसे मैम थोड़ा सा प्लीज़ बताइए अप्रैल 2008 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था और मैं मई 2008 के बाद ही जो भी नोटिफिकेशन आते हैं मैं उनमें उन ड्यू होती बिकॉज मेरे इक्कीस साल नहीं पूरे हो रहे थे अच्छा okay. तो उस टाइम पे फिर जब मैंने एग्ज़ाम्स देना शुरू किया तो पहला मैंने एग्ज़ाम दो तीन बैंक के दिए थे ओरिएंटल बैंक आंध्रा बैंक स्टेट बैंक एसोशिएट का पहले अलग से एग्ज़ाम होता था okay. उसके बाद एस का आया <coughs> तो पहला एसोशिएट बैंक वाला प्रिलम्स नहीं निकाल पाई मैं ओरिएंटल बैंक निकल गया था आंध्रा बैंक का मेरा हो गया था सलेक्शन स्टेट बैंक मैं चाहती थी कि मैं स्टेट बैंक में आऊं, बिकॉज इतना बड़ा नाम है और 200 साल से ज़्यादा की लेगेसी है एस की तो जब एस का एग्ज़ाम था तब मुझे था कि नहीं बस जाना ही है मुझे एस और मैं कलकत्ता जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए ओरिएंटल बैंक और कुछ एग्ज़ाम्स के सेंटर्स अ, मेरे शहर में नहीं रहते थे तो कलकत्ता जाना पड़ता था वहाँ जाती थी तो मैं एस का जब ऑफ़िस देखती थी तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं एस में कभी काम करूँ तो वहाँ पे फिर एस का एग्ज़ाम दिया मैंने एस का जब नोटिफिकेशन आया प्रिलिम्स होता था फिर मेंस होता था एक डेढ़ महीने के बाद मेंस का एग्ज़ाम दिया फिर इंटरव्यू दो तीन महीने के बाद था इंटरव्यू दिया और वो बस था कि बस एक एक स्टेप लेते जाना है आगे क्या होगा पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं वो बाद में देखी जाएगी बट स्टेप लेते जाना है कि अपना बेस्ट देना है और हो गया उस उसी साल सिलेक्शन हो गया मेरा और 2009 में मैंने ज्वाइन कर लिया तो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया क्या बात है मैम मैम ये तो आ, बस ये ये कहानियाँ शायद सुनने में बहुत ईजी लगती है बट आ... जो जो फेस करता है उसको पता है कि वॉट वॉज दैट स्ट्रगल बिहाइंड दैट एग्ज़ामिनेशन टू पास दैट एग्जामिनेशन एंड गेट दिलेक्शन इन टू एस बी आई मैम एक क्विकली हम हम क्वेश्चनर शुरू करते हैं तो अब ये क्वेश्चनर मैम ऐसे रहने वाले हैं जो लोग आज भी सोचते हैं कि नहीं यार बैंकिंग इज एज अ करियर बहुत प्रेशर होता होगा बहुत फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं होते होंगे या फिर एज अ करियर उसको कैसे देखते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ उनके लिए हम कुछ कुछ बढ़िया से क्वेश्चन क्वेश्चनर्स करते हैं मैं कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाया हूँ एंड आई वॉन्ट कि मैम आप उस पर कुछ अपने इनसाइट्स दीजिए ताकि जो एक्सपेरेंट्स उनको भी पता चले और जो बैंकरस हैं उनको भी पता चले कि आप वो कैसे अपने करियर में स्केल कर सकते हैं तो मैम मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ सो मैम टेल एज समथिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एस बी आई पी ओ द वेरी कॉन्क्रीट लाइक like, प्रोसेस uh, कैसे होता है वो सिंपल प्रोसेस तो रिटर्न एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स आते हैं पहले तो प्रीलिम्स मीन होता था अभी एग्जैक्टली मे बी लिटल बिट ऑफ चेंजेस वो बैंक लेकर के आती रहती हैं फिर जीडी इंटरव्यू होता है और एस बी आई पी ओ में क्योंकि बिकॉज एस्परेंस बहुत होते हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा होता है तो आपकी तैयारी में आपको पूरा फोकस रखना चाहिए कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करो जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे एक टीचर ने बोला था कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो डरे रहते हैं ना कि मेरा तो होगा ही नहीं वो पहले ही सोच लेते हैं तो वो आपके कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं है। तो कंपटीशन में वही होते हैं ना जो रहते हैं कि जिनको कि मेरा तो सिलेक्शन होना है और कैसे भी होना है तो वो आपके एक्चुअली कॉम्पिटिटर है और जब आप उस एटीट्यूड से तैयारी करते हो तो मुझे लगता है वो एक अलग स्ट्रेंथ मिल जाती है आपको और जो भी स्टेप्स हो रिटर्न एग्जाम हो इंटरव्यू एग्जाम हो अगर आप उसको सिर्फ स्टेपिंग स्टोन की तरह लेते हैं कि अच्छा ये वाला स्टेप ये वाला स्टेप पे मुझे पूरा फोकस करना है तो मुझे लगता है कि जब आपका फोकस पूरा रहता है आप पूरी तैयारी कर रहे होते हो तो उसका असर आपके एग्जाम्स पर ज़रूर पड़ता है ओके okay. तो so, मैम एक चीज और अब आपका सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द इंडक्शन एक्सपीरियंस एट एस बी आई एज अ पी ओ एज अ पी ओ इंडक्शन मेरा बहुत अच्छा था मतलब बिकॉज मेरी अपनी एक घूमने की बहुत बड़ी ख्वाहिश रहती है <laughs> तो <laughs> मेरी ज्वाइनिंग मेरे अपने सर्कल में नहीं होकर के मेरी ज्वाइनिंग दिल्ली हुई ऑल दो तो, अच्छा। मेरे पेरेंट्स उतने खुश नहीं थे बट मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नया मिलने वाला था तो मेरी जॉइनिंग डेली सर्कल के लिए हुई और डेली सर्कल में मेरी पहली ट्रेनिंग देहरादून में थी जो अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है, है तो देहरादून में, में मेरी फर्स्ट थ्री वीक्स की ट्रेनिंग थी तीन वीक हमें देहरादून में रहना था तो मैं तो शायद उसमें ही बहुत खुश थी कि मुझे देहरादून तीन वीक रहने को मिलेगा और ड्यूरिंग इंडक्शन तीन वीक की ट्रेनिंग में हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती थी सुबह से लेकर शाम क्लासरूम्स होते थे इसके अलावा वीकेंड्स पे हम लोग आसपास घूमने चले जाते थे देहरादून मसूरी और इंडक्शन में बहुत मज़ा किया आपने पूरा पूरा, पूरा बैच घूमता <laughs> था फिर और ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये ट्रेनिंग आफ्टर थ्री वीक्स की ट्रेनिंग के बाद उसके बाद फिर ब्रांच भेजते हैं ब्रांच में आपकी ट्रेनिंग होती है ऑन द जॉब और आपकी आ, लर्निंग सेंटर की ट्रेनिंग साइड बाय साइड चल रही होती है तो दिल्ली के बाद देहरादून से ट्रेनिंग लेकर के फिर मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आना था दिल्ली में, में मेरी तीन ब्रांचेस थी आर के पुरम आई आई टी डेली एंड पी वी हॉज खास अच्छा तो यहाँ अलग अलग लोगों के साथ मिली मैं अलग अलग तरीके के काम सीखे फिर मेरी ट्रेनिंग थी इन नोएडा नोएडा ट्रेनिंग सेंटर में नोएडा ट्रेनिंग सेंटर से उसके बाद फिर फिर वापस ब्रांच गए हम लोग और उसके बाद फिर इस बीच हमें एक बार जाना था हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग होती है उसका एग्रीकल्चर एंड आईटी की जो ट्रेनिंग होती है उसका okay. सेंटर हैदराबाद में है तो वहाँ हमने ट्रेनिंग की उसके बाद फिर मुझे जाना था वापस से देहरादून और देहरादून में जाने से पहले मुझे एक जगह है श्रीनगर उत्तराखंड में अच्छा। वहाँ पर अपनी रूरल की ऑन द जॉब की ट्रेनिंग करनी थी और फिर लगभग सवा साल मैं देहरादून में रही अलग अलग ब्रांचेस में ओ, तो मैम दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इंडक्शन राइट दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एस आपको देती है एंड मैम तो मैं समझना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग कितने लेवल्स पे होती है जैसे आपने बताया पहले आप देहरादून थे फिर आप दिल्ली गए वापस अलग-अलग आपने जगह पे ट्रेनिंग्स करी तो ये कितने लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग होती है एसबीआई पीओ की एसबीआई पीओ की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग वो आपको ओवरऑल बैंकिंग के पूरे एक्सपीरियंस को कराते कराता अच्छा. कि जैसे जनरल बैंकिंग हो गई फिर पर्सनल बैंकिंग हो गई एसएमई हो गया इंटरनेशनल बैंकिंग रूरल बैंकिंग आईटी इन बैंक्स तो वो उसके अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं और अलग अलग जगह ट्रेनिंग होती है और साथ के साथ अगर जैसे आपको रूरल की ट्रेनिंग कराई गई उसके बाद आपको रूरल की ब्रांच मिलेगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए okay. आपने इंटरनेशनल बैंकिंग की ट्रेनिंग की ट्रेनिंग सेंटर जा करके के फिर आपको वैसी ब्रांच मिलेगी जहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग का कुछ काम होता हो जैसे मुझे आई आई ब्रांच मिली थी फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग तो वहाँ पर रेमिटेंसेस आते जाते थे कुछ बी जी का भी काम होता था और एस की जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई तो एस की ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए हमें एस सेंटर है हमारा चांदनी चौक में वहाँ भेजा गया था वहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती थी तो हमारी तो ओवरऑल वो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होता है आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो उस टाइम पे मतलब फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज आपको बिल्कुल लो लेवल से शुरू करना होता है कि आप जब काम जानो तो आपको छोटी से छोटी चीज़ भी पता हो तो मैम एक एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बिफोर इंडक्शन मैं ज्यूम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं घूम रहे थे लेकिन <laughs> इंडक्शन के बाद इतनी सारी जगह घूमे मज़ा आया मैम बहुत बहुत मज़ा आया दोस्त बनाया मैम बहुत दोस्त बने वो तो लाइफ लॉन्ग के दोस्त हो गए अभी भी सब बार? टच में तो जो भी लोग देख रहे हैं उसके लिए एक चीज़ है कि आप बैंकिंग एज अ करियर तो करियर है ही बट जो आप दोस्त बनाते हो जो लोग आपके साथ काम करते हैं दैट इज़ वेरी प्रीशियस जैसे मैम ने बताया वो तो लाइफ लॉन्ग हो गया तो ये चीज़ तो डेफिनेटली मैम मैं भी अग्री करता हूँ आप कहीं पर भी नॉट जस्ट एज़ अ करियर आप जब लोगों से मिलते हो नेटवर्किंग करते हो तो वो वो एक बहुत फ्रूटफुल चीज़ होती है चलिए मैम ग्रेट तो मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जैसे अब ट्रैवल से रिलेटेड है तो पहले के दो साल आपके पी के जो रहे कहाँ कहाँ घूमे मैम आप थोड़ा अब डिटेल में बता दो मतलब स्पेसिफिक आपको किसी काम के लिए जाना था और ऐसा था कि यार सौम्य प्रकाश को हमें इस काम के लिए यहाँ भेजना है बट वो काम से ज्यादा घूमने के लिए एक्साइटेड हो गए कि नहीं यार वो काम तो गया भाड़ में और मुझे पहले घूमना है तो ऐसी कुछ जगह बताओ मैम कहाँ कहाँ पे गया मैंने काम कभी नहीं किया है कि वो बाढ़ में जाए वो काम इम्पोर्टेंट <laughs> है बट हाँ जब आपको वीकेंड पे या आपके जैसे क्लासेस जल्दी ओवर हो जाते थे तो बिकॉज सब बैचमेट्स होते हैं उस टाइम पे तो मतलब ग्रुप सा बन जाता है हर किसी का अपना अपना ग्रुप बन जाता है लाइक like माइंडेड तो like लोग मिल जाते हैं तो जिनको शॉपिंग शॉपिंग पसंद है वो के लिए निकल जाते हैं जिनको घूमना पसंद है वो घूमने के लिए निकल जाते हैं तो मैं yeah. जब भी, भी जिस ट्रेनिंग सेंटर में रही हूँ मेरा वैसा ग्रुप बन जाता था जो घूमने के लिए तैयार डाउन करो तो मैं पहले तो पहली ट्रेनिंग जैसे देहरादून में हुई वहां से मसूरी गए घूमने के लिए देहरादून घूमा हमने उस टाइम पे ड्यूरिंग मतलब ट्रेनिंग उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई तो दिल्ली में मैं अपनी बैचमेट के साथ रहती थी तो हम लोग बैचमेट्स प्लान कर लेते थे कभी मूवी देखने का कभी किसी यहाँ जैसे बहुत अच्छा वो पुस्तक मेला लगता है दिल्ली में बहुत बड़ा पुस्तक आ, मेला होता है बुक फेयर तो हम लोग बुक फेयर गए थे या बहुत सारे एग्जिबिशंस जो लगते हैं वो देखने जाते थे तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था फिर वापस से वहाँ श्रीनगर गई मैं श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में वहाँ रूरल की ट्रेनिंग थी मेरी तो वहाँ आसपास घूमने चले जाते थे हम लोग वीकेंड पर मैं और मेरी एक बैचमेट थी फिर जब देहरादून आए तो देहरादून में भी घूमते रहते थे उस टाइम पे हैदराबाद की भी ट्रेनिंग आई थी तो हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए गए तो वहाँ भी आफ्टर क्लासेस हम घूम रहे होते थे <laughs> तो वो जो एक फ्रेंडशिप वो एक बनती है उस टाइम पे बिकॉज क्लासरूम में तो सब पढ़ाई कर रहे होते हैं जब आप क्लासरूम से बाहर होते हो तभी आपकी एक्चुअली दोस्ती होती है कि आप बहुत चीज़ें सीख रहे होते हैं और दोस्ती जो उस टाइम पे होती है उसका एक बेनिफिट ये रहता है बिकॉज एस बी आई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं तो मैं अलग अलग स्टेट के लोगों से मिल रही थी <laughs> और अलग अलग चीज़ें पता लग रही थी मुझे जो अलग अलग स्टेट में होते हैं उनकी बोली उनका खाना या मतलब कुछ कुछ भी अलग सा मतलब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से कुछ बात कभी कभी आ जाती थी कि हमारे में तो ऐसा होता है वहाँ पे तो वैसा होता है तो वो चीज़ें भी बहुत सीखने को मिल रही थी करेक्ट है मैम ये चीज़ तो है वैसे मैं सबको बता दू मैम मैम इज फ्रॉम पटना एंड प्लेस ऑफ लिट्टी चोखा एंड उसके बाद मैम दिल्ली में रही देहरादून रही हैदराबाद रही एंड दिल्ली में भी बहुत अलग अलग जगह पर रही तो मैम आपने उन दो सालों में आई वुड से आपने इतना सारा कल्चर देख लिया अलग अलग टाइप का कल्चर देख लिया अलग अलग लोगों से आप मिल लिए तो आई थिंक ये तो ये तो बेस्ट बेस्ट टाइम होता है आपका uh, प्रोवेशनरी ट्रेनिंग भी चल रही है आप घूम भी रहे हो आप अर्न भी कर रहे हो एंड साथ साथ में यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ राइट वो वो बहुत ही अच्छा समय होता है बिकॉज आपका वो एक्चुअली आप सीख भी रहे हो तो बहुत केवल प्रोफेशनल लेवल पे नहीं पर्सनल लेवल पे भी बहुत चीज़ें सीखी मैंने मैंने बहुत कुछ खाना बनाना सीखा ट्यूरिंग जाए <laughs> <laughs> क्योंकि घर पर तो इतना नहीं बनाती थी मैं आ, थोड़ा बहुत जानती थी लेकिन बाहर रहने के बाद बैचमेट से बहुत रेसिपीज़ पता लगती हैं अलग अलग जगह की और मैं जैसे आर के पुरम ब्रांच में थी और वहाँ पर लगभग फिफ्टी सिक्सटी का स्टाफ था एजी एम ब्रांच थी और वहाँ सभी स्टेट के लोग थे तो हम लोग लंच जितने भी फ़ीमेल्स थे वहाँ करीब मुझे लगता है पंद्रह बीस तो फीमेल स्टाफ थी और हम सब एक साथ लंच किया करते थे तो साउथ के भी लोग थे हरियाणा के भी लोग थे दिल्ली के भी लोग थे यूपी के भी थे तो वो जब साथ में सब के घर का वो खाना भी तो वो आ... वो एक वो भी एक अलग

तो मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपके सिलेक्शन से पहले एंड सिलेक्शन के बाद क्या डिफरेंस आया बहुत डिफरेंस आया बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिकॉज मैं जब पटना से निकली थी तो अब जब घर पे रहते हो तो आपके पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं आपको लेकर Correct. के लेकिन जब आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हो एक ऑर्गेनाइजेशन को तो एक वो जिम्मेदारी आ जाती है कि आप बहुत चीज़ें सीख जाते हो आपके पेरेंट्स को फर्क नजर आने लग जाता है कि मतलब मेरा बच्चा मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हाँ। होने लग जाती है इंडिपेंडेंट हो, हो गया आपको मतलब कई जगह खुद खाना बनाना है खुद सारी चीजें घर की भी मैनेज करनी है ऑफिस की भी मैनेज करनी है आपको ट्रैवल करना है तो यू हैव टू बुक योर ओन टिकट्स और उसके बाद फिर पैकिंग करना जाना तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे सूटकेस हमेशा ही तैयार रहता था कि जब ट्रेनिंग के लिए और वो इतने एक्साइटेड होते थे हम लोग ट्रेनिंग में जाने के लिए hmm. कि उसका अलग ही मजा रहता था कि बस जाना है ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ नए लोग मिलेंगे नॉट जस्ट प्रोफेशनली Uh, personally भी बहुत सारे आते बहुत आते हैं और अब एक दूसरे से चीजें सीख भी भी रहे हो तो, जैसे मेरी में थी उसको reading, uh, she liked reading, तो उसकी books मैं लेकर के पढ़ने लग गई तो मुझे भी अच्छा लगता था तो एक दूसरे से बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी होती थी उसे किसी से खाना बनाना सीख रहे है किसी से कुछ और सीख रहे हैं किसी के साथ शॉपिंग करने चले गए तो यू एक ओवरऑल ग्रोथ होती है आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रो करने लग जाती है जो आप एक शहर में एज अ स्टूडेंट जितने एक प्रोटेक्टिव uh, इन्वायरमेंट में रहते हो जब आपको वो एन्वायरमेंट मिलता है जहाँ आपको सीखने के लिए बहुत मिल रहा होता है आपको इतने लोग मिल रहे होते हैं जहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होते हो एंड यू रियलाइज कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है वो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा वो कुछ भी नहीं था लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है करेक्ट तो मैम इसी से एक एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा uh, आपके पहले दो साल जैसे आपने बताया बहुत जगह घूमे हैं बहुत आपने दोस्त बनाए मैम वो दो मोमेंट्स क्या थे जो जिसको आपको लगा कि यार दिस इज़ माई लाइफ एंड ये ये मेरा मोमेंट है अब जहाँ पे आई एम फीलिंग दैट मेरे इतने सालों की मेहनत सफल हो गई वट वॉज दोज़ टू मोमेंट्स द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर एस बी आई इन टू ईयर्स कोई भी दो मोमेंट बताना ना बहुत मुश्किल है सात्विक बिकॉज बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे मैं बिकॉज बाहर रहने के बाद अकेले ट्रैवल करना अकेले खाना खाना सीखना ये बहुत स्ट्रेंथ आती है आपको आप यू डोंट रियलाइज दिस कि ये जो आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप इंडिपेंडेंट होते हो इंडिपेंडेंटली नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल तो सैलरी तो आपको मिल रही है बट आप एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी आपकी ग्रो करने लग जाती है तो मुझे लगता है कि उस दो साल में मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो कर रही थी और मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगती थी वो लगती थी लोगों से मिलना बिकॉज मैं लोगों से ज़्यादा सीखती थी बुक बुकिश नॉलेज बुक पढ़ती रही हूँ मैं हमेशा लेकिन मुझे लगता है कि जितनी नॉलेज आपको बुक से होती है उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से होती है तो वो दैट एक्सपीरियंस जो एस बी आई आपको फर्स्ट प्रुबे, आपके प्रोबेशन में दो साल में देता है वो दैट इज उसका कोई कंपेरिजन uh, नहीं है hmm. कि uh, आप जिस तरीके से सीख रहे होते हो चीज़ों को जो फास्ट पेस पे आप चले जाते हो दैट वॉज समथिंग जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहना है रहे तो मैम दो साल में एस में सिर्फ सैलरी नहीं कुछ भी होते हैं hmm. थोड़ा सा आप बताइए तो थोड़ा एस्पिरेंट्स को और मजा आएगा और बैंकर्स को भी पता चलेगा कि क्या क्या पर्क्स होते हैं पर्क्स में आपको लीज मिलता है तो आप जिस भी शहर में रह रहे हो उस उस शहर के हिसाब से आपको किराया मिलता है जो मुझे लगता है कि आपकी सैलरी में ऐड नहीं होता दिखता नहीं है वो अच्छा लेकिन ये बहुत बड़ा पर्क है ओके. इसके अलावा आप जितनी भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हो फॉर ट्रेनिंग्स वो सब कुछ रीम बस होता है oh. आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब कुछ रीम बस हो जाता है पेट्रोल uh, मिलता है फर्नीचर का पैसा मिलता है क्या बात तो आप कहोगे कि पैसे तो अच्छे मिलते हैं क्या बात है तो मैम अब ये भी बता दो फिर आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी फर्स्ट सैलरी मेरी अराउंड सैलरी जो अकाउंट में आती थी वो कुछ सोलह सत्रह हजार थी ये दो हजार नौ की बात दो हजार नौ की बात है ओके okay. ये जो सैलरी आती थी दिस इज मतलब होता है ना पर्क्स को हटा करके बता रही हो अच्छा ओके okay. अब इसके अलावा जो पर्क्स पेट्रोल वगैरह के मिलते थे तो पेट्रोल वगैरह उनको मिलते हैं जो गाड़ी जिनके पास होती है तो मेरे पास उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी तो वो सब पर्क्स नहीं थे बट हाँ लीज वगैरह सब कुछ मिले तो ओवरऑल एवरेज कितना मान सकते हैं है? बिकॉज एक एक जनरल

या आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको कैसे रेक्टिफाई करना है अपने सीनियर को कैसे कन्वे करना है आपको अपने बॉस के साथ कैसे रहना है जूनियर के साथ कैसे रहना है और इन जनरल सभी कलीग्स के साथ किस तरह से मेंटेन करते हुए कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग होती है दूसरा जो चैलेंज एक आता है वो है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर्स

लोकेलिटी अच्छी देखनी है वो सारे डिसीजन फिर आपको लेने होते हैं करेक्ट करेक्ट तो वो एक पूरा होता है आपको जैसे किचन पूरा सेटअप करना है अगर आप <laughs> खाना <laughs> खुद ही बनाने वाले हो तो, <laughs> तो ये सारी चैलेंजेस <laughs> आती हैं कि प्रोफेशनली uh, भी आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके बॉस चेंज होंगे तो अलग अलग लोगों से आप कभी आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे कभी थोड़े स्ट्रिक्ट लोग भी मिलते हैं कि जहाँ जिनके साथ काम करना डिफिकल्ट हो जाता है बट आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हो वो पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ है मुझे लगता है कि आप डिफ़िकल्ट लोगों के साथ भी कैसे डील करना है और ऐसे लोग भी जो आपको बहुत फ्रीडम uh, भी देते हैं काम भी बहुत सिखाते हैं तो हर तरह के लोग मिलते हैं और हर लोग कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहते हैं ओके चलिए ग्रेट मैम तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए उनके लिए मैम दो चीज़ें आप क्या कहना चाहेंगे क्विकली के यार ये मेरी लर्निंग्स है ऐसे मैंने क्रैक किया था या फिर वो दो चीज़ें जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है पहले तो मैं उनको ये कहूँगी कि अगर आप बैंक के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले तो आप बहुत पॉजिटिव रहो कि एग्ज़ाम्स में कई बार आप पहले ही नेगेटिव सोचते हो तो डिफ़िकल्ट होता है पेपर निकालना तो इसलिए आप पॉजिटिव रहो आप अपनी मेहनत पूरी करो रिज़ल्ट के ऊपर इतना नहीं सोचो बिकॉज रिज़ल्ट आपकी मेहनत है तो रिजल्ट भी पत, हो ही जाएगा दूसरा चीज़ है कि सीखते रहो सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए मुझे लगता है और तीसरी चीज़ है कि आप एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई मत रखो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमेशा अच्छी पोस्टिंग मिलेगी या अच्छा शहर ही मिलेगा या आपको बॉसेस अच्छे ही मिलेंगे ये सारा कुछ ना चेंज होता रहता है कई बार आपको हो सकता है छोटे शहर में काम करना पड़े या फिर ऐसी पोस्टिंग मिले जहाँ बॉस आपको बहुत सपोर्टर ना मिले तो उस चैलेंजेस के लिए भी और वो चैलेंजेस केवल बैंकिंग में नहीं है वो अक्रॉस सभी प्रोफेशंस में है तो वो uh, क्योंकि बिकॉज मैं जब बहुत लोगों से मिलती हूँ और मुझे लोग कहते हैं कि आप इतनी अच्छी जॉब आपने कैसे छोड़ी तो मुझे लगता है कि आ, मेरा खैर अपना पर्सनल रीजन था बट दोनों चीजें आपको चैलेंजेस भी मिलेंगी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बिकॉज मेरे बहुत सारे बैचमेट्स फॉरेन पोस्टिंग में भी हैं कई लोग आ चुके हैं फॉरेन पोस्टिंग करके तीन चार साल अच्छी अच्छी जगह न्यूयॉर्क एस so, बी आई इन फॉरन येस yes, ठीक है। आई इन फॉरन अगले में डिस्कस करेंगे। बी इन फॉरेन तो वो वो भी एक बिकॉज फिर आपको सैलरी उस उस जगह हाँ. के हिसाब से मिलती है पर्क्स उस जगह के हिसाब से मिलते हैं और डेट एक्सपीरियंस वो फिर अलग ही एक्सपीरियंस है वहाँ पर काम करना बिकॉज वहाँ जब आप बैंकिंग के साथ काम करते हो तो वहाँ के लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन वगैरह सारी चीज़ों का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में भी बहुत मिलती है क्योंकि आप किसी ऐसे बहुत अच्छे ब्रांच में हो जहाँ पर Uh, जैसे आप पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच ले लो तो वहाँ पर एम और मतलब बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर्स के साथ भी आपको मिलना होता है तो दोनों चीज़ें आप रखो और अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करते रहो अब एक और चीज़ है कि मतलब ये जितनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई है एस बी आई आपका जो भी हुआ है मैम तो ओवर द पीरियड हाउ यू थिंक आपका प्रोबिशनरी पीरियड में ऐसा हुआ कि आपको पहले साल में लगा कि यार अब मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल ग्रोथ तो क्या वो ग्रोथ आपको लगी कि एस में ग्रोथ होनी शुरू हुई आपके कुछ माइंडसेट आया होगा कि यार मेरा पहला साल है अब मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ आपको फील हुआ वो ग्रोथ आ रही है डेफिनेटली डेफिनेटली मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आई थी तो uh, कुछ क्वेश्चन हम लोग जैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर इंटरव्यू बट बियॉन्ड दैट हमें वो बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग की नहीं पता होती हैं Uh, जब आप बाहर से आते हो तो आप बैंकिंग समझते हो सिर्फ डिपॉजिट करना कैश निकालना और uh, अकाउंट ओपन करना बट वो एल सी लोन्स उसका को कुछ आइडिया नहीं होता नहीं है तो जब आप इंटरनेशनल बैंकिंग देखते हो या फिर कॉरपोरेट लोन्स देखते हाँ। हो तो आपका एक uh, बहुत सारी चीज़ें आप अलग तरीके से सीखते हो क्योंकि आपको वहाँ अकाउंट सीखना पड़ता है आपको लॉ सीखना पड़ता है जो मतलब सब्जेक्ट में भी आपने अपने ग्रेजुएशन या कभी पहले कभी नहीं पढ़ा हो लेकिन वो जानना पड़ता है आपको okay. तो आ, वो एक लर्निंग होती है फिर जैसे जे आई किया मैंने ड्यूरिंग फर्स्ट टू ईयर्स ही मैंने अपने जे आई क्लियर कर लिए थे तो वो पूरा आ,

तो आपने ये पहली साल में दोनों क्लियर कर लिए दोनों क्लियर कर मैम क्या बात है मैम तो ये तो आई थिंक जितने भी बैंकर्स हैं उनको ये चीज़ करनी चाहिए uh, मैम दो टिप्स एंड सजेशंस टू दी न्यूली रिक्रूटेड प्रोबिशनरी ऑफिसर्स क्या आप देना चाहेंगे जब आपने जे आई से भी बताया आप और क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे जे आई बी सी आई बी करने से सिर्फ आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है आपके पी एफ पर फर्क पड़ता है बिकॉज मैंने फ़र्स्ट ईयर कर लिया उसके बाद तेरह साल जॉब किया मैंने अगर मैंने चालीस साल तक किया होता तो आप सोचो मेरे पी एफ का कितना मतलब बिकॉज वो बेसिक बढ़ाता कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग हो जाती, जाती काफ़ी तो इसलिए जे आई बी सी आई बी तो करना ज़रूरी है ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फिर ज्रेनिंग सेंटर्स में सिखाते हैं कई बार हम लोग उसको लाइटली लेने लग जाते हैं वो लाइटली नहीं लेनी चाहिए बिकॉज जब आप सीट पे एक्चुअली काम करने लगते हो और आपको जिम्मेदारियाँ मिल जाती हैं तब फिर बहुत डिफिकल्ट होता है तब वो फिर फिर से hmm. आप बुक खोलना शुरू करते हो <laughs> कि इसमें क्या था hmm. तो मुझे लगता है उसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए आप इन्जॉय करो बिकॉज वो प्रोबेशन का पीरियड इन्जॉय करने के लिए है बट जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं आपको बैंक में ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड उसको भी आप सीरियसली लो तो आपके आगे की लाइफ में आपको वो बहुत काम आएगा ओके okay. तो मैम और कोई आपका कोई जनरल मैसेज टू ऑल दी बैंकर्स एक ऐसा मैसेज कि यार अब अब इस सीरीज से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है एज़ वेल एज़ आपके एक्सपीरियंस से क्या बेनिफिट मिलने वाला है एक चीज़ ऐसी जो आपने अपनी पूरी बैंकिंग करियर में अभी तक सीखी है जो भाई जो बैंकर्स अभी बैंक में काम कर रहे हैं उनको आप सजेशन देना क्या चाहोगे जो बैंकर्स बैंक में काम कर रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि बैंकिंग में मैं रही तेरह साल से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि स्ट्रेस भी कई बार होता है मैं सिंगल ऑफिसर ब्रांच मैनेजर रही या फिर मैं फील्ड ऑफिसर रही कई बार अकेले रहना पड़ता है मैं आई वॉज नॉट मैरिड जब उस टाइम पे ज्वाइन किया था तब तो काम सीखना बहुत ज़रूरी है आप चाहे जिस भी लेवल पर हो आप सीनियर जितने सीनियर होते जाओगे आपको उतना ही काम आना ज़्यादा जा, ज़रूरी होता जाता है प्रमोशन आप लो वेल एंड गुड मतलब प्रमोशन आप लेते रहो सैलरी इंक्रीज होती है बहुत सारे पर्क्स इंक्रीज होते हैं तीसरा चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो भी स्ट्रेस है जो भी है उन सब के लिए अपने हेल्थ पर सभी बैंकर्स को ध्यान देना चाहिए जो बिकॉज uh, बहुत सेटिंग जॉब है Hmm. तो हमारी हेल्थ पर उतना नहीं हो पाता और आप बहुत लंबे आज के लिए बैठे रहते हो किसी कोई कोई सीट होती है मार्केटिंग वगैरह वाली जहाँ पर मूवमेंट uh, रहता है बट जनरली बैंकर की लाइफ बहुत ही सीडेंट्री होती है कि एक जगह बैठ कर काम करना है तो इसीलिए अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दें और uh, अपनी नॉलेज बढ़ाते आप कुछ एक लाइन बोलना चाहेंगे एस के लिए बिकॉज कुछ एक चीज तो आप दिल से बताइए कि अबाउट एस बी आई मतलब या एस बी आई के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे एस बी आई के लिए सात्विक मैं क्या बोलूँ मैं वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ <laughs> क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने लंबे समय तक काम करते हो तो एक लगाव तो रहता ही है और एस बी आई ने मुझे बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है तो आ, मेरी फर्स्ट कार मेरा पहला लैपटॉप मेरी मेरा पहला घर क्या तो केवल जॉब ही नहीं मिली थी मुझे मतलब मेरी प्रोफेशनल के साथ साथ जो पर्सनल ग्रोथ भी होती रही है उसमें एस का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और एक इतना बड़ा नाम एस जिसके साथ काम करने का एक अलग प्राउड फील होता है और जो एक्सपीरियंसेस मुझे एस ने दिए हैं वो मेरे लिए साथ लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहने वाली है क्या बात है मैम मैम बहुत बहुत मज़ा आया ये क्वेश्चनर्स uh, आपके साथ क्वेश्चंस पूछ के बहुत बैंकर्स को डेफिनेटली इससे हेल्प होगी तो मैं मैं बताना चाहूँगा इसी के साथ ये ये था पहला एपिसोड विथ सौम्य प्रकाश मैम मैम इस एपिसोड को काफ़ी uh, काफ़ी अच्छे एपिसोड्स में और कवर करने वाली है एंड अलग अलग लोगों के साथ मैम इस पॉडकास्ट को शूट करेगी आप अगर आप एस्परेंट हो या बैंकिंग में हो दिस सीरीज़ विल हेल्प यू आउट विद योर बैंकिंग करियर अगर आप अपने करियर को स्केल करना चाहते हो मैम विल शेयर ऑल द एक्सपीरियंसिस विद यू और एस्परेंट हो तो मैम बताएगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है किस तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है और जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए रहेगा कि आप अपने बैंकिंग में काम करते करते जो आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है जो आप चीज़ों को अभी फेस कर रहे हो कैसे उससे आउटकम करो एंड कैसे अपने करियर को अपस्केल करो सिंस uh, मैम ने वो सारी चीज़ें करी है तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में जब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो